हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आई होप स्टूडेंट यू आर फाइन। सो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 7। सो लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, फर्स्ट बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, टेल मी द नेम ऑफ द एनिमल्स विच लिव ऑन ट्री एज देयर हैबिटेट। So can you name it? Yes, there are many animals, that is your squirrel, monkey, insect, birds. So these are the animals which make tree as their habitat. Now student, let us start our chapter. Your seventh chapter is chapter 7, and name of the chapter is valuable plants and trees. So student, see here, what is you have given, that you have to draw the leaf in which food is sometimes served, means sometimes food is served, जो है food serve किया जाता है, ऐसे leaf को यहाँ पर draw करना है और उसको color करना है, and also name the leaf। अब उसका नाम भी बताना है तुमको, तो कौन सा leaf है जिसमें हम लोग खाना serve करते हैं। So tell me, yes it is the leaf of banana। So you have to draw banana leaf here, and also you have to write the name in the lower, in the down you have to write the name, that is banana leaf। Now let start our chapter। So plants and trees, so we find different types of plants and trees around us, they vary in size, shape and color, they add to the beauty of a place, they provide shade, fresh air and various other useful products। So क्या बोला गया है कि we find different types of plants and trees around us, हम लोग हमारे आसपास में बहुत टाइप के, अलग अलग टाइप के plants और trees देखते हैं। they vary in size shape, और वो कैसे होते हैं, कुछ जो होते हैं size में अलग होते हैं, कुछ जो होते हैं शेप में अलग होते हैं, कुछ का कलर अलग होता है, तो ऐसे हम लोग उनमें डिफरेंस देखते हैं। दे ऐड टू द ब्यूटी ऑफ ए प्लेस, और वो जहाँ पे भी होते हैं, जहाँ पे ट्रीज और प्लांट्स होते हैं, वो उस जगह की ब्यूटी को बढ़ाने का काम करते हैं, वह उस प्लेस की ब्यूटी को बढ़ाने का काम करते हैं। दे प्रोवाइड अस शेड, फ्रेश एयर एंड वेरियस अदर यूजफुल प्रोडक्ट, और हमको प्रोवाइड भी करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, छांव देते हैं, फ्रेश एयर देते हैं, और दूसरे जो यूज़फुल प्रोडक्ट हैं वो भी हमको प्लांट से या ट्री से मिलता है। प्लांट्स एंड ट्रीज आर ए वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, दे आर प्राइमरी फूड प्रोडक्ट एंड फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड चेन। तो क्या बोला गया है कि जो प्लांट्स और ट्रीज है वो जो होते हैं वो वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं, जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं, एंड दे आर द प्राइमरी प्रोडक्ट्स, वो जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोडक्ट्स नॉट प्रोड्यूसर, दे आर प्राइमरी फूड प्रोड्यूसर, मतलब जो सबसे पहले जो फूड बनाने का काम करते हैं, जिस फूड को हम लोग खाते हैं वो कौन बनाता है, प्लांट्स बनाता है। तो प्लांट्स एंड ट्रीज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर, फूड प्रोड्यूसर, एंड फॉर्म द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फूड चेन, और फूड चेन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं प्लांट्स और ट्रीज। ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस के समय जो है ट्रीज क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उस क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को देने का काम करते हैं। वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, और वो ऑक्सीजन हमको चाहिए होता है, किस लिए चाहिए होता है, ब्रीथ करने के लिए, मतलब सांस लेने के लिए हमको उस ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इन एटमॉस्फेयर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है फोटोसिंथेसिस करने के वक्त, और बदले में हमको ऑक्सीजन देता है, जिस ऑक्सीजन को हम लोग ब्रीथ करते हैं। अब नेक्स्ट है तुम्हारा टाइप्स ऑफ ट्रीज, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज। फर्स्ट फ्लावरिंग ट्रीज, दैट इज़ योर चेरी एंड मस्कोगी, एंड नेक्स्ट इज़ योर कॉमन ट्रीज, एंड कॉमन ट्रीज आर टर्माइन, गुआवा, पीपल, बनियान।
बनियान एंड कॉर्निफरस ट्रीज आर फीर पाइन स्प्राउस सो दिस आर कॉर्निफरस ट्रीज एंड डेसीडियस ट्रीज आर ऑक मैपल वुड एप्पल तो देर आर दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज विच वी कैन सी सी हियर हियर पिक्चर सम गिवन पिक्चर ऑफ सम ट्रीज स्प्राउस ट्री ऑक ट्री चेरी ट्री गुआवा ट्री तो दिस आर द ट्रीज नाउ ट्रीज आर यूजफुल कैसे हमारे लिए यूजफुल हैं ट्रीज तो वो देखो ट्रीज प्रोवाइड हैबिटेट टू ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट जो ट्रीज है वो हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे लार्ज नंबर मतलब बहुत सारे बर्ड्स के लिए जो ट्रीज जो हैं वो घर होते हैं बहुत सारे एनिमल्स के लिए जैसे कि एनिमल्स के लिए बर्ड्स के लिए इंसेक्ट के लिए तो वो ट्रीज में अपना घर बनाते हैं नेक्स्ट इज ईयर ट्रीज प्रोवाइड यूजफुल प्रोडक्ट सच एज गम पेपर टिम्बर मेडिसिन एक्सेट्रा जो ट्रीज है वो हमको यूजफुल प्रोडक्ट देते हैं जैसे कि गम है गम जो है हमको ट्री से मिलता है पेपर है मिलता है टिम्बर मिलता है टिम्बर मतलब लकड़ियाँ जो यूज़ किए जाते हैं फर्नीचर बनाने के लिए मेडिसिन है तो ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमको ट्री से मिलता है ट्री ये सब चीज़ें हमको प्रोवाइड करता है डेड प्लांट्स डिकम्पोज टू फॉर्म ह्यूमस मतलब जो डेड प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं डिकम्पोज होते हैं और डिकम्पोज होके ह्यूमस बनाने का काम करते हैं ह्यूमस का मतलब होता है ए मटेरियल डेट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू दी सॉइल मतलब वो मटेरियल जो कि सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है उसको बोला जाता है ह्यूमस अब द ट्रांसपिरेशन इन ट्रीज ऑल्सो इंक्रीज द ह्यूमिडिटी ऑफ ए प्लेस एंड रिजल्ट इन रेनफॉल सो प्लांट्स में जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर का लूज होना प्लांट से तो उस प्रोसेस को भी वो जो प्रोसेस होता है ट्रीज में वो क्या करता है वो इंक्रीज करता है क्या इंक्रीज करता है ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करता है उस जगह के ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करता है और हेल्प करता है या रिजल्ट करता है कि रेनफॉल हो वो हेल्प करता है रेनफॉल होने में अब नेक्स्ट है तुम्हारा रूट्स ऑफ ट्रीज हेल्प टू होल्ड द सॉइल फर्मली इन इट्स प्लेस एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड लैंडस्लाइड्स तो जो रूट्स होते हैं ट्रीज के या प्लांट्स के वो क्या करते हैं होल्ड को टाइटली पकड़ के रखते हैं उस जगह के सॉइल को टाइटली होल्ड करके रखते हैं जिससे कि सॉइल इरोजन ना हो और लैंडस्लाइड भी ना हो सॉइल इरोजन का मतलब होता है वॉश अवे ऑफ सॉइल Now, fossil fuels such as coal and petroleum are obtained from the dead remains of plants and animals that were buried under the earth crust millions of years ago. तो जो fossil fuels होते हैं जैसे कि coal है petroleum है वो भी हमको कब कहाँ से मिलते हैं कि जो dead remains होते हैं जो मरे हुए plants और trees होते हैं या जो plants और animals होते हैं उनको जब अर्थ क्रस्ट में बरी किया जाता है मतलब खोद के उनको डाल दिया जाता है अंदर अर्थ क्रस्ट में तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में हमको बहुत जब मिलियंस ऑफ ईयर्स उनको डिग करके गड्ढे में डाल के रखा जाता है तो वही जो है कन्वर्ट होके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं और वही फॉसिल फ्यूल्स हमको मिलते हैं जैसे कि कोयल एंड पेट्रोलियम सो स्टूडेंट इन द नेक्स्ट क्लास वी रीड अबाउट deforestation, causes of deforestation and effects of deforestation.